हेलो फ्रेंड्स, मैं विपुल और आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अगर आप लोग को 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हो और आप लोग से उसमें पूछा जाए कि एन इनवर्स किस प्रकार से फाइंड करोगे, सो उसके लिए मैं आप लोग को एक इजीली ट्रिक प्रोवाइड कर देता हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए और काफ़ी नॉलेजेबल वीडियोज होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी कितना है 2 है। सो आप लोग इसका ए इनवर्स किस प्रकार फाइंड करोगे, अगर इसको लॉन्ग प्रोसेस से बनाओगे तो बहुत ही क्या होगा, लेंदी होगा, बहुत टाइम लेगा। सो आप लोग इजीली इसको कैसे बनाओगे, इसका ए इनवर्स किस तरह से फाइंड करोगे। सो आप लोग को क्या करना है, पहले आप लोग इसको क्या करिएगा, देखिए आप लोग केवल इसका इंटरचेंज करिए। देखिए 1 के प्लेस पर इस 3 वाले को रख देना है और 3 के प्लेस पर 1 वाले को रख देना है, ठीक है, इस तरीके से रख देना है। और इसमें केवल आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस से, ठीक है। इसमें माइनस से करिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें अगर माइनस से करिए तो ये माइनस 2 होगा। अब आप लोग को दोस्तों क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट से भाग देना है। इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा दोस्तों, आप लोग देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 1 3, और ऑलरेडी बीच में क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है, 2 1 2, माइनस है तो माइनस 2 देंगे, माइनस माइनस क्यों दोस्तों प्लस होता है, 3 2 कितना हुआ दोस्तों, 5 हुआ, 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको डिटर्मिनेंट से, ठीक है। सो इस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए, और इसी तरह से नए इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। सो इस वीडियो का एंडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।